पहला दिन संतु और तुम ऐसे सुस्त होके बैठी हो, चाय पी लो। पता है बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मतलब आप? बड़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, हम नौजवान नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साल का पहला दिन जैसे गुजरता है ना, वैसे ही पूरा साल गुजरता है। इसीलिए ये तुम लोगों के हाथ में है कि साल का पहला दिन मगरमच्छ की तरह सुस्ता के बिताना है कि चीते की तरह फुर्तीला बनकर जीना है। आतंकवादी हमला, कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये चीते की तरह? हाँ, ये चीता नहीं, जंगल वाला असली चीता, चीते के नाम पर मजाक वाला चीता नहीं। क्या पुष्पा जी आज भी मजाक उड़ा रही हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो ना, हमारी तरफ से तुम बच्चों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी पुष्पा जी। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मेरे सिस्टम में हैप्पी न्यू ईयर फीड है, मैं जानती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तुम मशीन की तरह, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इतना ठंडा ठंडा क्यों कर रही हो आप? ऐसे हमारी तरफ देखो, कैसे जोशीले हैं हम, ऐसे जोश की तरह, इंसानों की तरह करो। ओके। वैसे संतु, तुमने नए साल का कुछ लोशन लिया कि नहीं? लोशन? लोशन तो है मेरे पास। वो वाला लोशन नहीं, वो नए साल में लेते हैं ना, वो रिजोल्यूशन। हाँ हाँ, वही, हम वो ऐसे आ रहे थे। क्या कर रही हो तुम फिर? मैंने तय किया है कि अब मैं प्लम्बर का पूरा कोर्स सीखूंगी और अपने क्वार्टर का नल ठीक करूंगी। गजब, बेहतरीन। आप बताइए, आपने क्या लोशन लिया है? हम ना, हमारा दादी बनने का सपना। पुष्पा जी, आप दादी बनने का सपना छोड़िए और आज का ताजा खबर सुनिए। हाँ, अभी तुरंत एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि शहर में महिलाओं पर होने वाला अपराध में ना भारी गिरावट आया है, और जनता जनार्दन इसका श्रेय जो है हम लोग के महिला पुलिस थाना को दी है। सोचिए ना, नया साल के दिन पर ही हम लोग के लिए कितना ज्यादा गर्व का बात है। गर्व का बात तो है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। और ये संभव हो पाया मैडम सर का मेहनत, सब्र और समर्पण से। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम, आपका क्या रेजोल्यूशन है? हमारा हमारा तो यही है कि अब हमारे थाने में जितना भी केस आएगा ना, उसे हम मैडम सर का अनुसरण करते हुए करें। मतलब नो लात, सिर्फ जज्बात। हेलो, पिज्जा मिलेगा क्या? क्या पिज्जा भिजवाइए ना जल्दी, आप एड्रेस। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? मैडम सर की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हेलो, मुझे पिज्जा चाहिए अभी, प्लीज आप एड्रेस लिखिए ना। टोपा इंसान, तुम्हारा पिछले साल का दारू अभी नए साल तक नहीं उतरा है क्या? पिज्जा चाहिए तो पिज्जा वाले को फोन करो ना, हमारा दिमाग का है तपा रही हो तुम। पिज्जा चाहिए, अर्जेंट है, मुझे जरूरत है, प्लीज। एड्रेस है 303 गुलशन रोड, सेनाली मार्ग। हमको तो लगा था कि अभी 2 मिनट के अंदर इनका रिजोल्यूशन टूटने वाला है। नहीं 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 नहीं, पुष्पा जी नहीं, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं था, ये कोई लड़की है जिसको हमारा अर्जेंट हेल्प चाहिए, जो हमको डायरेक्ट बोल नहीं पा रही है। समझ रहे आप हमारी बात को? संतु, तुम मीरा के साथ जाओ, पिज्जा लेकर जाना, और तुमको एड्रेस हम मैसेज कर रहे हैं। नए साल में नए केस का श्री गणेश करो, जाओ। जी ओके मैडम। हाँ? जी नमस्ते। नमस्ते, हम अंदर आ सकते? हाँ आइए। लोग यहाँ सब ठीक है? हाँ। आपके घर में कोई लड़की है? जी हाँ, मेरी बेटी सुमुखी। अच्छा, और भी कोई लड़की है? नहीं नहीं, सुमुखी ही हमारी इकलौती संतान है, और इस वक्त वो ही घर पर है, और लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है मैडम? आपकी बेटी को हमारे साथ थाने आना होगा। थाने? लेकिन क्यों मैडम, क्या किया मेरी बच्ची ने? उन्होंने महिला पुलिस थाने में फोन करके ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स का मजाक उड़ाया है, विच इज एन ऑफेंस। इसके लिए उन्हें हमारे साथ आना होगा, लीगल प्रोसीजर। एक मिनट, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं अभी मेरी बेटी को बुलाती हूँ। सुमुखी, सुमुखी बेटा जल्दी बाहर आ। समझाओगे तुमने फोन काहे किया था पिज्जा के बहाने पुलिस स्टेशन में? तब तो तुम कह रही थी कि तुम्हें हमारा बहुत जरूरत है, तुम बहुत जल्दी में भी थी। अब हम तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम्हारी मदद के लिए, अब हमें बताओ
कि तुमने फोन काहे किया था, क्या दिक्कत हो गया, समझाओ हमको। कुछ तो बोलो बेटा, अगर तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो फिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? किसी ने छेड़ा तुमको? बदतमीजी किया तुम्हारे साथ? किसने किया तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार? नाम बताओ उसका। रिलैक्सेशन अभी थोड़ी देर पहले ही आपने रिलैक्सेशन लिया था कि जो भी नया केस आएगा आप शांति से सुलझाएंगे। देखो हमारे ना बाबूजी कहते थे कि अगर गलत को रोका ना जाए ना तो वो बढ़ता है। किस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो उसको हिम्मत मिल जाएगा और उसका हिम्मत बढ़ जाएगा और वो तुम्हारे साथ और बदतमीजी करेगा, इसलिए उसके बारे में हमको बताना जरूरी है। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरा नाम सोमुखी शुक्ला है। कल न्यू ईयर ईव थी तो मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ दोस्त एक पार्टी में गए थे। हम सब एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो सर, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू शर्मा जी। अरे शुक्ला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। बधाई हो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो डिजर्व करते हैं। भला आजकल के जमाने में इतने अच्छे टीचर कहाँ मिलते हैं? अगर स्टूडेंट नालायक हो तो टीचर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर बारिश ही ना हो तो जमीन तो सूखी ही रह जाएगी ना। बांस के पेड़ पर तो बारिश भी बेकार। अरे शांत भाई शांत, नए साल का स्वागत इस तरह से करते हैं क्या? पार्टी एंजॉय करो, हैव फन। म्यूजिक। सुमुखी? अरे बेटा तेरे को हुआ क्या? सुमुखी तू रो क्यों रही है ऐसे? हाँ मम्मा, वो शर्मा सर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने मुझे किस किया। उसकी मैया का सासू मैया, से घटिया लोग कहाँ से पैदा हो जाते हमको समझ में नहीं आता। मेरे पेरेंट्स और मैं एक पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट भी कराई थी उनके खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो एक वेल नोन पर्सन है, उनके काफी कनेक्शंस हैं। मम्मी पापा को पता था कि पुलिस कंप्लेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पापा ने जाकर कंप्लेंट वापस ले ली। फिर किसी ने आपका नाम लिया और कहा कि आप ही हैं जो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकती हैं। मम्मी पापा को इस मामले में मैंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैंने पिज्जा वाला बहाना करके आपको घर पर बुलाया था। पर आते आते मेरी हिम्मत टूट गई और मैं बहुत डर गई। वो एक टीचर है, उनका इतना नाम है, मुझ पर कौन भरोसा करता? पर मैं जस्टिस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी की सजा मिले। ऐसा जरूर होगा बेटा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, वो जरूर जेल जाएंगे। सुनो, तुम्हारे पास उस टीचर का नंबर है तो मुझे अभी दो, अभी के अभी ढूंढ निकालूंगी कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। पता कीजिए वो राक्षस कहाँ है, अभी उठा कर लाते हैं, निकालते हैं उसका सारा मस्ती। So disgusting! मतलब ऐसे आदमी को ना उल्टा टांग कर रट बरसाने चाहिए। शांत हो जा तुम सब, ये क्या बकवास लगा रखी है? पुलिस है हम, कायदे कानून के हिसाब से ही जाएंगे ना, शांति से काम लेना पड़ेगा हमें। नहीं, शांति वाला मामला नहीं है ये, एक क्रांति वाला मामला है। अखरोट उसको छील कर नहीं खाया जाता, उसको तोड़ कर ही खाया जाता है। पर ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, जो ऐसा घटिया हरकत करने का हिम्मत करते हैं ना पुष्पा जी, उनको उनकी भाषा में समझाना बनता है। तजुर्बा कहता है हमारा, ईगो का इलाज कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा पेशेंटली और समझदारी से ही हैंडल करना पड़ता है। हसीना मैडम ने कहा था कि जब भी ऐसा ही करिश्मा सिंह गुस्से की वजह से अपना आपा खो दें, उन्हें ये क्लिप सुना देना। मीरा मैडम बिल्कुल सही कह रही है, ये मामला बहुत नाजुक है, वो एक शिक्षक है। ये बात अगर आम हो गई तो बाकी के सारे शिक्षक भी बदनाम हो जाएंगे जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लोगों में ज्ञान का प्रकाश बांटते हैं। अब एक गंदी मछली की सजा पूरे तालाब को देना भी तो सही नहीं है ना, इसलिए शांत रहिए और ठंडे दिमाग से सोचिए आपको क्या करना चाहिए। रिसो शोलन याद है ना आपको?
वही तो प्रयास कर रहे हैं ना पुष्पा जी हम, कि हम ठंडे दिमाग से संयम से काम ले जैसे मैडम सर हमेशा लेती हैं। लेकिन नहीं, हम हमारे में इतना बर्दाश्त शक्ति नहीं है जितना मैडम सर में है। ये स्थिति ऐसे आती है जिसमें कोई लड़का ऐसा घटिया हरकत करता है ना, हमारा दिमाग खनक जाता है। नहीं होता हमसे संयम, नहीं आता है हमको, नहीं होगा। और आपको क्या लगता है ना, हम चूरन है दिमाग से जो हम कुछ भी कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। जो होगा वो कानून कायदे में रहकर होगा। तुम हमें एड्रेस दो इसका, और चीते बिल्लू जाओ इसका कुंडली निकालो, शर्मा के बच्चे का पूरा कुंडली चाहिए हमको। मीरा और संतु तुम लोग जाओ इसके साथ इसके घर पे, कुछ और एविडेंस मिलता है तो वो हमको दो। जी हम जाएंगे शर्मा के बच्चे के घर पे। पुष्पा जी आप हमारे साथ आएंगे? जी चलो चलो चलो। शर्मा जी टीचर तो बहुत अच्छे हैं, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है सबसे। अब किसके दिल में क्या चल रहा है साहब, ये कौन बता सकता है। धन्यवाद है यार, शर्मा जी के बारे में हम भी पता किए हैं। बिरोटे अपने जमाना का टॉपर आदमी था यारू, जब उनका नौकरी लगा ना तो सारा काम धंधा छोड़कर खाली टीचिंग लाइन में लग गए थे। इतना अच्छा आदमी होने के बाद से भी इतना टुच्चा हरकत यार, इंसानियत से हमारा तो भरोसा उठ गया है। तू कब उठेगा? अरे काबू नहीं, मतलब मैंने भी पता किया है, वो शराब नहीं, जुआ नहीं, ठरकीबाजी नहीं, फिर भी ऐसा वही ना बात है यार, कि मतलब कैरेक्टर का भी एकदम साफ आदमी है, पूरा छवि पर एक भी दाग नहीं है, फिर ऐसा हरकत यार। देखा आपने कैसे बात बात में मेरी बच्ची से चिपकने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। मैडम जी मुझसे कह रहा था कि शालिनी जी आपकी बेटी को एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दूंगा, उसे शाम को घर भेज देना, जबकि सबको पता है कि शाम को शर्मा की पत्नी 2 घंटे के लिए वहाँ अपने लेडीज क्लब में जाती है रोज, और शाम को तो ये आदमी घर पर अकेला रहता है ना। इसीलिए इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बच्ची ने इसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी। नहीं एक मिनट, मैं समझी नहीं इसका क्या मतलब हुआ। अरे मेरी बच्ची ने उसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी, बस इसी बात की चिड़ है उसे। एक मिनट, तुमने क्लास आधे में क्यों छोड़ी? मुझे उनके पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं था। तुम्हारे कॉलेज में हमने पता किया तुम्हारी अटेंडेंस भी बहुत कम है। तब तो मैं रेगुलर अटेंड करती थी उनकी क्लासेस, चुपचाप उनकी क्लास में बैठी रहती थी, लेकिन जब से मैंने उनकी क्लास में सवाल जवाब करना शुरू किया वो तो जैसे मुझसे चिड़ से गए, डांटने लगे, ह्यूमिलिएट करने लगे, सबके सामने चौक खींच कर मारने लगे। अब आप ही बताइए मैं ऐसे माहौल में कैसे पढ़ सकती हूँ, इसीलिए मैंने उनकी क्लास छोड़ दी। और तो और मैडम जी, जब हम आधे साल की फीस के पैसे वापस लेने गए तो पता है वो शर्मा की पत्नी कितना भड़क गई, बोल रही ये कोई तरीका होता है क्या, पढ़ाई बीच में छोड़ोगे तो फीस वापस थोड़ी ना मिलेगी। सोचिए इतने लालची लोग है वो, हमारी फीस तक खा गए। तो वाकई बहुत घटिया इंसान है। मीरा कंफ्यूज्ड, मैंने अभी आपकी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, जहाँ पे उन्होंने यही मिस्टर शर्मा के साथ अपने टीचर के साथ एक फोटो डाली हुई है। काफी फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल फोटो है, जिसका टैग लाइन है बेस्ट टीचर एवर। अगर आपकी बेटी को उनके टीचर इतने ही नापसंद है तो उनके साथ ऐसी पिक्चर डालने का मतलब, प्लीज एक्सप्लेन। हर स्टूडेंट के जैसे इससे भी अपने टीचर उस वक्त फरिश्ते लगे होंगे, डाल दी होगी उसने फोटो वोटो। अरे उस इंसान का असली चेहरा तो अब जाके दुनिया के सामने आया है, उसके अंदर का हैवान तो अब दिखा है ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारे देश के कानून में ऐसे मामलों में 90% फैसले लड़कियों के फेवर में होते हैं, और इस केस का फैसला भी आपके फेवर में होगा, और ये जो घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है ना, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम ये सुमुखी और उसकी माँ के ऑफिशियल स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि ये शर्मा जो है बहुत ही घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। नहीं नहीं मैडम, यहाँ पर पता करने पर तो एकदम ऑपोजिट रिपोर्ट मिला है। लोग बता रहे थे कि जो मास्टर है बड़ा ही भद्र पुरुष, एकदम सज्जन टाइप का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ यहाँ तो सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। हाँ। नहीं नहीं कई बार मैडम क्या होता है ना कि इंसान जो प्रिटेंड करता है वो नहीं होता है। हो सकता है कि शर्मा भी ऐसा ही हो कि लोगों को दिखाने के लिए संत हो लेकिन असल में शैतान हो। नहीं बहुत बढ़िया काम किया आप दोनों ने, पर सही क्या है और गलत क्या है ये जब तक हम उस शर्मा के बच्चे से मिल नहीं लेंगे ना, तब तक सही गलत का क्या हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम उससे मिलना जरूरी है, इसलिए हम तुमसे बाद में बताते हैं, ठीक है? जी जय हिंद मैम, चलते मेरा मैम। चलिए जी अंदर आ सकते हैं जी, आइए ना। सुमुखी वाले केस में आपसे बात करना है। सुमुखी ने कंप्लेंट की,
जी कंप्लेन की है, वो वीडियो फुटेज में ऐसा देखा गया है कि लाइट जाने तक जो है शर्मा जी आपके जी मेरे हस्बैंड है हाँ, तो वो उनसे कुछ ऐसा बतिया रहे थे जिससे वो नाराज हो रही थी, वो इनकार कर रही थी। तो हम ये जानने आए कि ऐसा कौन सा बात जो उनको कह रहे थे जिससे वो नाराज हो रही है, हमको आप बता सकती हैं? दरअसल बात क्या है ना मैडम, मैं बताती हूँ, मैं बताता हूँ मैडम आपको। जी ये मेरे हस्बैंड है आकाश शर्मा। आप ही हैं शर्मा जी? जी हाँ जी। जी मैं सुमुखी से ये कह रहा था कि अपने पेरेंट्स को समझाए। मैं अपनी पत्नी शकुंतला जी को भी समझाता हूँ कि बेकार का नॉनसेंस झगड़ा खत्म करो। अरे भाई जब वो हमारी ट्यूशन क्लास में नहीं आना चाहती तो प्रॉब्लम क्या है? मैं तो समझा चुका जी, आप ही समझाओ प्लीज। मैडम दरअसल बात यह है ना कि उस लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। क्लासेस बंक करके रोज रोज वो अपने फ्रेंड्स के साथ मटरगस्ती करती रहती थी, और एक दिन उन्होंने उसे पकड़ लिया मटरगस्ती करते हुए। बस सब गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। हम जब तक जाते उसके पेरेंट्स को कुछ समझाते, उस लड़की ने पता नहीं अपने पेरेंट्स को क्या पट्टी पढ़ाई कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। शकुंतला प्लीज जाने दो। देखिए मैडम हमें सुमुखी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करनी, जैसा आपकी समझ में आए प्लीज कीजिए, बस जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म कीजिए। जी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। चले? हाँ चलिए। मैडम नाइस टू मीट यू। तोते में कोई झोल तो नहीं लगा हमको, हाथ मिलाया हमने उनसे, उनको ना ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं लगा। जब तक पूरा प्रूफ इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते क्या सही है और क्या गलत है। उसके लिए पूरा प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा हमको। चलिए ना जल्दी, हमको भी है पुष्पा जी, लग रहा है आपको ज्यादा जल्दी है। हाँ भूख लगी है। पूछताछ में इतना बात सामने आया है ना, तो उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आदमी चरित्रहीन है। हमको तो लगता है आदमी चरित्रवान है, और हमको तो ये भी लगता है पूरा फसाद के पीछे ना कोई और ही बात है। इन मास्टर की तारीफ तो वो लोग भी करते हैं जिनकी खुद की कोई तारीफ नहीं करता। हाँ। क्योंकि दोनों मर्द है इसीलिए। मैं तो हूँ इसका पता नहीं, प्रूफ कर दे। और मर्द मर्द का ही फेवर करता है। और मुझे अच्छे से बताइए जो शर्मा है ना यही घटिया आदमी है, इसने ये घटिया हरकत की है, वरना कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात ऐसी नहीं बोल देगी। हाँ हाँ ये शर्मा हमको भी ना थोड़ा टेढ़ा इंसान लगता है, लड़की की बात में दम है। और उसका स्टाइल देखा, इतनी उम्र में भी कैसा बनठन के रहता है। वाह पुष्पा जी, मतलब जो इंसान बनठन के रहता है, जो इंसान सच समर के रहता है, उसको हम लोग ऐसे जज कर लेंगे कि वो इंसान खराब ही होगा? अरे किसी के पहनावे से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है कि खराब है? नहीं 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 ये आदमी गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ है। पर हर वक्त मर्द गलत होता है ये भी तो सही नहीं है ना पुष्पा जी। औरत भी तो सही हो सकती है। हाजी FIR लिखानी है, कौन लिखेगा आप में से? हाँ 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 क्या हुआ, किसके खिलाफ लिखवानी है? रे 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 बिल्लुआ, मेरी ज्वेलरी की शॉप है यही पास में अलीगंज में, इस औरत ने मेरी दुकान में से सोने की कंगन चुराई है। अच्छा आपको कैसे पता कि इन्होंने चुराया? अरे मैडम मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ इसको झोली में कुछ डालते हुए। झूठ बोल रहे हैं, मैं गरीब हूँ चोर नहीं, मैं तो अपनी बेटी वास्ते सोने की लौंग लेने गई थी। मेरा फोन बजा, मैंने थैले च अपना हाथ डाला, फोन निकाला, बात की और फोन थैले च वापस रख दिया। इन्हों लगा मैंने ऐदा शोरूम का कंगन उठा के अपने अपने थैले च रख दिया। एक कितनी गलत बात है किसी, कितनी सारी महिलाएं खड़ी सी, इन्हों मेरे उत्ते क्यों शक किता? उत्ते क्यों शक कुत्ता चित्ता किता क्यों किता? तो और क्या करूं, कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है, हुलिया तो देखिए इसकी कितनी बड़ी भिखारी लग रही है। मैं गरीब हूँ, क्या हर गरीब चोर होता है? क्या इंसान का रख रखाव उसके हुलिये से ही होता है? देखिए अरे हाँ हाँ हम भी तो वही कहने जा रहे हैं ना कि बिल्कुल नहीं, इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, ना ही उसके रख रखाव से। बिल्कुल। अब किसने क्या पहना है इससे उस इंसान का अच्छा या बुरा होने का क्या संबंध? अच्छा पुष्पा जी तो फिर आप आकाश शर्मा के रख रखाव से उसके सही और गलत का अनुमान कैसे लगा सकती हैं? धन्यवाद पुष्पा जी की तरह अभिनय ना करने के लिए, आप जा सकते हैं। प्रणाम चाचा प्रणाम। प्रणाम। एक बात ना आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, इंसान जैसा दिखाता है वैसा ही हो,
ऐसा जरूरी नहीं है ना। मतलब इंसान जो है ना दो रूप जी रहा है, एक वो जो दूसरों के लिए होता है और एक वो रूप उसका अपना असली रूप जो वो खुद ही जानता है। इसलिए हमें दोनों का पक्ष सुनना होगा, अच्छे से तफ्तीश करनी होगी, उसके बाद ही हम सही गलत का अनुमान लगा पाएंगे। उससे पहले तो दोनों ही सही और दोनों ही गलत, दोनों ही अच्छे और दोनों ही बुरे, समझ रहे आप हमारी बात को? और इसका पता लगाएंगे अब हम अपने तरीके से। अपने तरीके से? तो फिर आपका रिलो सिचुएशन का क्या? हे अंग्रेजी की माँ। अम्मा मीरा कहाँ है? मीरा, मीरा तुम और संतु जाओगे शर्मा के इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट्स बनके। मैं जाऊँ स्टूडेंट बनके? स्टूडेंट का दादा लगता है तुम। और तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द बोलेगा तो दोनों हॉस्पिटल में होगे। तुम दोनों जाओगे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स बनके ये पता लगाने के लिए क्या वो वाकई में गलत इंसान है जो औरत को औरत नहीं एक वस्तु समझता है, या फिर एक नेक इंसान है जिस पे वो लड़की झूठा इल्जाम लगा रही है। समझ रहे हमारी बात को? आप दोनों जाइए और इस केस को आगे बढ़ाइए। ओके मैडम।